नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे और आपके अपने चैनल क्रिएटर केके में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पैन कार्ड को पीवीसी कार्ड पे कैसे प्रिंट करें। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी बताऊँगा। आप किसी भी इंकजेट प्रिंटर से इसको प्रिंट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक प्रिंटर, एक लैमिनेटर, एक ड्रैगन शीट्स, एक सीज़र, एक पेपर कटर, एक कॉर्नर कटर। कंप्लीट प्रोसेस बताने के लिए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा से कमेंट भी ज़रूर कर देना। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले गूगल क्रोम में ilovepdf.com को ओपन करना है। अब पैन कार्ड की जो पीडीएफ फाइल है उसको जेपीजी में कन्वर्ट करेंगे हम। पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करें जहां पर है, इसे यहाँ पर अपलोड कर दें। और कन्वर्ट टू जेपीजी पे क्लिक करेंगे हम। अब पीडीएफ फाइल का जो भी पासवर्ड है उसे भरें। और सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। अब इसको डाउनलोड कर लें जेपीजी फाइल को। अब फोटोशॉप में वही फाइल को ओपन करेंगे हम, जेपीजी फाइल जो हमने क्रिएट की है। जेपीजी फाइल को पहले मैं ब्लर कर लेता हूँ। अब दो न्यू फाइल्स ओपन करेंगे हम, एक फ्रंट साइड के लिए, एक बैक साइड के लिए। और दोनों की हमने जो विड्थ है वो 8.5 cm रखनी है और जो हाइट है वो 5.5 cm रखनी है। अब फ्रंट साइड का कंट्रोल प्लस सी करके कॉपी कर लो और जहां पर लाकर कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट कर दो। अब कंट्रोल प्लस टी से इसको ट्रांसफॉर्म में ले आओ। अब शिफ्ट प्लस अल्ट को एक साथ दबाते हुए फ्रेम में एडजस्ट कर लो इसको। पीवीसी कार्ड पर इसको उल्टा प्रिंट करने के लिए इसको इस पर राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजेंटली कर लेना इसको। अब सेम साइज की एक और फाइल लेकर उस पर बैक साइड को कॉपी पेस्ट कर लेना है जैसे कि फ्रंट पेज पे किया था।
अगर आपको ये जानना कि फिंगरप्रिंट से पैन कार्ड बनाते कैसे हैं ऑनलाइन, तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक है, आप देख सकते हो। अब एक नई फाइल बनानी है गाइडलाइन की, वो पहले मैंने बना रखी है, आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना। तो उसको बनाते कैसे हैं इस पर भी एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा मैं। अब गाइडलाइन पर फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को ही कॉपी पेस्ट कर देना है। अब ऊपर से जो सेकंड कॉलम है उस पर हमारी जो फ्रंट साइड है उसको पेस्ट करना है, और जो फर्स्ट कॉलम है उस पर बैक साइड को पेस्ट करना है। पीवीसी शीट पर हमें इन दोनों को उल्टा ही प्रिंट करना है। चलिए अब हम इन दोनों साइड्स को पेस्ट करके प्रिंट की कमांड दे देते हैं। पहले प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, पेपर साइज़ A4 रखना है, पेपर टाइप रखना है हमें एप्सन मैट और क्वालिटी हाई पे करके हमको प्रिंट की कमांड दे देनी है। अब ये हमारी शीट्स हैं, ये है पीवीसी शीट्स जो कि प्रिंटिंग साइड के बीच लगती है, और ये प्रिंटेबल शीट है, ये एक तरफ से रफ़ होती है और दूसरी तरफ से ये मुलायम होती है। जो प्रिंट होना होता है इसके जो मुलायम तरफ है उस पर प्रिंट होना होता है, तो रफ़ साइड पर जी इसको नहीं प्रिंट करना है। इसको रफ़ साइड और चेक करने के लिए इसके एक कोने पर इसको स्क्रैच करके देख सकते हो आप, जिस तरफ स्क्रैच हो गया तो वो रफ़ साइड है, और जो मुलायम साइड है वो प्रिंटिंग के लिए है। जो प्रिंट करना है इसके मुलायम साइड के तरफ ही करना है, रफ़ साइड पर नहीं करना है। इसकी रफ़ साइड की तरफ हम पेंसिल से या मार्कर से निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमें इस तरफ इसे प्रिंट नहीं करना है। जो पीवीसी शीट है अब हम इसके बीच में से इसको काट के इसको बराबर 10 हिस्सों में बांट लेंगे। इस पर 10 पैन कार्ड हम तैयार कर सकते हैं। एक पीस का साइज 6 सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये देखिए मैंने इनको पहले ही बराबर काट के रख लिया है। ये इनकी हाइट से 6 सेंटीमीटर है। अब हमारी प्रिंटिंग हो रही है जो हमने कमांड दी थी। अब हमारी शीट प्रिंट होकर रेडी है, इनको आप कट कर लो। अब लेमिनेशन मशीन को आप ऑन कर लो। इसका जो टेम्परेचर रखना है वो 100 डिग्री सेल्सियस रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब प्रिंट की हुई साइड की तरफ फोल्ड करके जो रफ साइड है ऊपर रखना है इसको।
अब इसके बीच जो पीवीसी कार्ड की शीट सामने कट करके रखी थी वो लगानी है। लगाने से पहले जो पीवीसी कार्ड है उसके दोनों तरफ से एक पेपर लगा होता है, उसे पहले हम हटा लेंगे। ऐसा दोनों तरफ लगा होता है, दोनों तरफ से पहले उसे हटाना होगा। अब जो प्रिंट किया हुआ कार्ड है हमारा, उसके बीच में इसको रख देंगे हम। बीच में एडजस्ट करके रख देंगे और हम इसको ऐसे हाथ से प्रेस कर देंगे तो जो उसके साथ चिपक जाएगा। अब ऐसा करने के बाद इसको लेमिनेशन के बीच से निकाल देना है। अब ये पैन कार्ड हमारा बनके रेडी है। अब इसके ऊपर से जो रफ लेयर है दोनों तरफ से उसे निकाल देंगे हम स्क्रैच करके। अब इस कॉर्नर कटर से हम कॉर्नर्स को राउंड कर लेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।